ये कहानी बेलापुर गांव की है। बहुत दिनों पहले बेलापुर गांव में एक भूत और चुड़ैल घूमते हुए आ गए थे। वो दोनों गांव को देखकर बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, अरे इस गांव के बच्चे कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो दोनों थोड़ा आगे चलते हैं तो उनको कुछ गांव वाले बातें करते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों चुपके से गांव वालों की बातें सुनने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि गांव के किसी भी बच्चे के पास एक भी खिलौना नहीं है। अरे सोनू, इस गांव में कितनी गरीबी है, गांव के किसी भी बच्चे के पास एक भी खिलौना नहीं है। क्यों ना हम गांव के बच्चे को फ्री में खिलौने बांटें? अरे नेहा, हम दोनों इनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम तो भूत है ना। सोनू, क्यों ना हम इस गांव में एक खिलौनों की दुकान खोलें, जिससे हम गांव में बच्चों को फ्री में खिलौने देकर उनकी मदद कर सकते हैं। वो दोनों गांव के बच्चों की मदद के लिए गांव में एक खिलौनों की दुकान खोल लेते हैं। अरे सोनू, बच्चे हमारे पास खिलौने लेने कैसे आएंगे? हम दोनों को पहले अपना भेष बदलना पड़ेगा। फिर दोनों भेष बदलकर दुकान में आ जाते हैं। दुकान के पास बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो दुकान के अंदर जा सके। नेहा, ये बच्चे दुकान पे आ क्यों नहीं रहे हैं? सोनू, मुझे लगता है ये लोग सोच रहे हैं खिलौनों के पैसे देने पड़ेंगे तभी वो इन्हें खरीद पाएंगे, पर इनके पास तो पैसे नहीं हैं। तभी सोनू भूत बच्चों को दुकान में बुलाकर कहता है, बच्चे आप लोग एक खेल खेलोगे? अगर आप लोग खेल में जीत गए तो मैं आप लोगों को खिलौने दूंगा। बच्चे सोनू भूत की ये बात सुनकर भूत के साथ खेल खेलने लगते हैं। सोनू भूत ने एक घेरा बनाया था जिसके घुमाने से जिस पर भी वो घेरा रुकेगा बच्चे को वही मिलेगा। भूत ने घेरे पर एक तरफ खिलौना छापा था और बाकी जगह पैसा पैसा लिखा था। बच्चे एक एक करके घेरे को घुमाने लगे और चुड़ैल अपने जादू से वो घेरा खिलौनों पे ही रोकने लगी। ये देख सभी बच्चे खुशी से जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सोनू, देखो बच्चे कितने खुश हैं। हाँ, और बच्चों की इस खुशी से मैं भी खुश हूँ। चुड़ैल और भूत धीरे धीरे करके गांव के सभी बच्चों के पास ऐसे ही खिलौने बांट देते हैं। गांव वाले भूत चुड़ैल की दुकान पे आकर उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की वजह से आज गांव के हर बच्चे खिलौने से खेल पा रहे हैं। धन्यवाद की क्या जरूरत है, बच्चों को खिलौने से खेलता देख हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर गांव में हर एक बच्चा खुशी खुशी खिलौनों से खेलने लगता है। बच्चों को खुश देखकर चुड़ैल और भूत भी बड़े खुश हो जाते हैं।